फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरीके से आपके सिस्टम के अंदर मल्टीपल हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, 2-3 हार्ड डिस्क आपने लगी हुई हैं और सभी बूटेबल हैं और सभी के अंदर विंडोज है, तो आप किस तरीके से उसको अपने सिस्टम को रन करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि आपने अगर कोई डिसाइड नहीं किया होता तो आपका सिस्टम का जो बायोस है वो अपने आप डिसाइड कर लेता है कि आपका सिस्टम जो है कौन सी विंडो ओपन होनी चाहिए। अब ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी विंडो अपने सिस्टम के अंदर ओपन करनी है जब आपका सिस्टम ऑन हो, जब आप अपने सिस्टम को ऑन करें। तो ये एक छोटी सी सेटिंग है तो जिसको हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको खुल के और बता देता हूँ कि जैसे आपने 3 हार्ड डिस्क लगाई हुई हैं, सीगेट, सैमसंग और WD। अब सीगेट के अंदर आपने विंडो 7 की हुई है, सैमसंग के अंदर आपने की हुई है क्या नाम है विंडो 8 और आपने WD के अंदर की हुई है विंडो 10। अब ये आपको डिसाइड करना है कि जब आपका सिस्टम ऑन हो, डेस्कटॉप या लैपटॉप कोई भी चीज़ हो, लैपटॉप के अंदर भी ये लगती हैं, 2 या 3 हार्ड डिस्क लगती हैं। लैपटॉप के अंदर एक नॉर्मल हार्ड डिस्क लग जाती है, SSD लगा लेते हैं हम लोग तो 2 हार्ड डिस्क लगा देते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि जब आपका लैपटॉप ओपन हो तो आपको कौन सी विंडो के ऊपर काम करना है, जैसे कि आप स्मूथली अपने सिस्टम को रन कर पाएँ और आसानी से उसको काम कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम यही सीखते हैं कि और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो के ऊपर आकर आप नए तो फ्रेंड्स, मैं देवेश त्यागी, टेक्नोलॉजी देवेश यूट्यूब चैनल के अंदर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो, क्योंकि इसी तरीके से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक सिस्टम के अंदर किस तरीके से 2 हार्ड डिस्क लगी होती हैं या आपके सिस्टम में 3 या 4 हार्ड डिस्क भी लगी होती हैं तो उसको किस तरीके से आप बूट करा सकते हैं। यानी फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी सेटिंग है बायोस की जिससे कि आप अपनी 2, 3, 4 हार्ड डिस्क को अलग अलग करके फर्स्ट बूट डिवाइस इसको बना सकते हैं। जब आप अपने बायोस के अंदर आएंगे, आप अपने कीबोर्ड के अंदर डेल या फिर F1 या F2, ये 2-3 की होती हैं, इनको प्रेस करके आप अपने बायोस के अंदर आ सकते हैं। उसके बाद जैसे आप बायोस के अंदर आएंगे, एरो की से आप यहाँ बूट पे जाएंगे, बूट पे आप नीचे एरो की से यहाँ जाएंगे और यहाँ पर हार्ड डिस्क जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ शो हो रही है। एक मेरी 500 GB शो हो रही है, एक मेरी 1000 यानी 1 TB शो हो रही है और एक हो रही है मेरी USB ड्राइव जिससे मैं हमेशा इंस्टॉलेशन करता हूँ। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट बूट डिवाइस जो हमें, अगर मान लो मेरे को 500 GB के करीब मेरा उसके अंदर विंडो 7 पड़ा हुआ है और 1000 TB के अंदर मेरा पड़ा हुआ है विंडो 8 और 250 GB की मेरी अलग से एक हार्ड डिस्क है उसके अंदर पड़ी हुई है विंडो 10। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं सिस्टम ऑन करूँ तो मेरा विंडो 7 हमेशा ओपन हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर USB जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर एंटर मारूँगा। तो देखिए तीनों चीज़ मेरे पास सामने आ गई हैं। अब यहाँ पर मैं ऊपर लेके जाऊँगा एरो की से, तो ये फर्स्ट बूट डिवाइस जो है मेरा ये 500 GB यानी मैं साटा को कर दूंगा, ये अपनी फर्स्ट बूट डिवाइस जो है मैं 500 करूंगा। तो हमेशा जब भी मेरा सिस्टम ऑन होगा तो मेरा विंडो 7 ओपन होगा, विंडो 8 या विंडो 10 या नहीं होगा। अगर अब ये सेकंड बूट डिवाइस जो है मैं इसको भी कर देता हूँ अपनी क्या नाम है 1 TB, ये देखिए थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके एरो की से वो आपको ऊपर नीचे जाना होता है और एंटर कर देते हैं। तो फर्स्ट बूट डिवाइस होगी मेरी 500 यानी विंडो 7, सेकंड बूट होगी मेरी 8 और मेरी थर्ड बूट हो गई मेरी USB पेन ड्राइव। अब इसको सिंपली आपको बाहर चले जाना है एस्केप से। जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ये बूट डिवाइस प्रायोरिटी दिखाई देगा, उसके अंदर क्लिक करेंगे तो देखिए मेरी साटा जो है 500 GB जो मेरी हार्ड डिस्क है वो मेरी आ चुकी है और सेकंड बूट मेरा CD/DVD आ गया है। F10 से F10 प्रेस करेंगे तो हमारे पास सेव कन्फिग्रेशन आ जाएगा, यहाँ पर हम ओके प्रेस कर देंगे, ये हमारी सेटिंग जो है वो सेव हो गई है। अब हमारी जो विंडो है हमेशा 7 ओपन होगी, हमारी 8 या 10 जो हमने डाल रखी है वो ओपन नहीं होगी। तो देखिए आपके सामने किस तरीके से ये ओपन होती है। ये एक छोटी सी सेटिंग थी कि आप अपनी 2-3 हार्ड डिस्क को भी आराम से इस कंप्यूटर के अंदर रन कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी जो कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन और उसकी रैम जो है उसी अकॉर्डिंग हो, यानी आपके कंपैटिबल हो। मान लो आपने अपने सिस्टम के अंदर 2 GB रैम लगाई हुई है और आप उस पर 4 हार्ड डिस्क रन करना चाह रहे हैं तो कंपैटिबल नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं एरर शो करेगा। तो इसलिए कम से कम 6 GB या 8 GB आप अपने सिस्टम की रैम रखिएगा। तो ये देखिए मेरी विंडो 7 जो है इसके अंदर आ चुकी है।
तो ये था फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर। अगर आप इस वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँ और आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।